गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक। और आज हमने करना है इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर। देखो, जैसे पहले हम अब इंटरनल कंट्रोल स्टडी कर रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है, फिर हमने स्टडी किया इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल के फॉर्म्स हमने पढ़ी, इंटरनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स पढ़े। अब देखो, हम ऑडिटिंग में इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे होंगे ना क्योंकि ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट किया जाना है। फिर ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल के साथ क्या लिंक है, यानी कि जो ये इंटरनल कंट्रोल है हमारी ऑडिटिंग के अंदर क्यों डाला गया है। वैसे तो नॉर्मली अब तक तो कोई बात नहीं आई ना ऑडिटिंग से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल में, बस यही बताया जा रहा है कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने कंट्रोल अंडर कंट्रोल रखना सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, या फिर जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको अंडर कंट्रोल रखना, डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो अंडर कंट्रोल हो, यही हमने पढ़ा। लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऑडिटर आ गया है और अब ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल के साथ क्या लिंक है, तो वो हमने अब पढ़ना है। तो देखो, कहते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑडिटर, कहते हैं जैसे जो ऑडिटर होता है उसको इंटरनल कंट्रोल पहले देखना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल कितना एफिशिएंट है, यानी इंटरनल कंट्रोल कैसा है जिसके ऊपर वो बिलीव करेगा, यानी बिलीव करने से पहले इंटरनल कंट्रोल को उसे पहले झांकना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा कि किस टाइप का इंटरनल कंट्रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात इसने कहा कि बिफोर रिलाइंग कंप्लीटली अपॉन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पहले बिना कंप्लीटली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डिपेंड किए, द ऑडिटर चेक फर्स्ट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ऑडिटर को पहले लेवल ऑफ एफिशिएंसी को चेक करना पड़ेगा, यानी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल पे पूरा का पूरा रिलाय करे, उससे पहले उसे ये चेक करना पड़ेगा क्या जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप रिलाय करने वाले हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सच में आपके विश्वास के लायक है भी या फिर नहीं है। यानी पहले आप उसकी इंटरनल कंट्रोल को चेक करो कि जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, क्या उतना एफिशिएंट एक्चुअल में है भी या नहीं है। तो सबसे पहले ऑडिटर को इस बात को चेक करना होगा। नाल उसके बाद कहते हैं कि अगर इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को ऑडिटर स्टडी कर ले तो उसे पता चल जाएगा, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को किस तरीके से वो क्लैरिफाई कर पाएगा एफिशिएंट है या नहीं। तो इन एक्टिविटीज को उसे स्टडी करना पड़ेगा, किसको, ऑडिटर को चाहिए कि वो इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है द ऑडिटर शुड स्टडी द प्रोडक्शन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। कहता है ऑडिटर को फोकस करना चाहिए जहां पे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्टिविटीज को सबसे पहले ऑडिटर यहां पे चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। अगर उसने इन एक्टिविटीज में पाया कि हां जी बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो फिर ऑडिटर को विश्वास हो जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका अच्छा है। सेकंड पॉइंट कहता है मेथड्स ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कहता फिर वो ये चेक करेगा कि आपने जो मेथड्स लगाए हैं बुककीपिंग के टाइम एंड अकाउंटिंग के टाइम वो किस तरीके से लगाए हैं, क्या आपने वो अकाउंटिंग के टाइम और बुककीपिंग के टाइम जो मेथड्स लगाए क्या वही सेम थे जो आपने पहले स्टैंडर्ड फिक्स किया था, उस टाइम पे आपने जो लिखा कि हमने ये मेथड्स अडॉप्ट करने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या आपने सेम मेथड्स अडॉप्ट किए जब आपने बुककीपिंग प्रिपेयर की है, या फिर जब आपने अकाउंटिंग बनाई है तब आपने सेम मेथड्स यूज किए हैं या फिर नहीं किया है। तो इस बात को फिर स्टडी करेगा ऑडिटर। कहते हैं फिर वो मेनली जब ये चेक कर रहा होगा, जब इस पे वो मेथड्स को चेक करेगा, तो मेनली फोकस रहेगा उसका कि पेमेंट और जो रिसीव हुआ है कैश उसकी ट्रांजेक्शन के ऊपर वो ज्यादा फोकस करेगा। कहता है जब हमने कैश को पे करने लगे तो हमें ये पता होना चाहिए, यानी ऑडिटर ये चेक करेगा कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का कैश गया है क्या वहां से ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गुड्स वगैरह मंगाया है या फिर कोई सर्विसेज ली है। ऑर्गेनाइजेशन वालों ने अगर सर्विसेज ली तो उसके बदले में कैश दिया होगा, या फिर गुड्स वगैरह परचेज किया तो उसके बदले में कुछ एसेट्स परचेज किया, यानी वो क्लियर देखेगा ऑडिटर कि पहले कुछ सामान हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तभी तो हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कहता है जब हम रिसीव हो रहा है कैश तो भी वो देखेगा ऑडिटर कि पैसा तभी आया हुआ है जब हमने सर्विसेज रेंडर की है, या फिर हमारी कोई चीज सेल हुई है तभी हमारे पास कैश आया होगा। तो कहते हैं कैश ट्रांजेक्शंस पे ऑडिटर यहाँ पे ज्यादा फोकस करेगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री की गई है उनको ऑडिटर चेक करेगा। अब ऑडिटर कैसे चेक करेगा, भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंट्री होगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो तो यही शो करेंगे ना कि हमारी ठीक है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो वेरियस पार्टीज होंगे जिनके रिलेटेड अकाउंट्स, एक तो उन्होंने खुद भी प्रिपेयर किए होंगे, सप्लायर्स है, कस्टमर्स अकाउंट्स है, उन्होंने बनाए होंगे, दैन उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने प्रिपेयर करेंगे। तो कहता है वो उनको क्रॉस चेक करके देखेगा, मैच करके देखेगा क्या सेम वो उन्होंने बनाए हैं, सेम अकाउंट्स का जो उनका बैलेंस है वो मैच कर रहा है,
वो टैली करके देखेगा, अगर दोनों के अकाउंट्स टैली हो जाते हैं तो इट मींस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कोई गड़बड़ नहीं की है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका एफिशिएंट है। फिर कहते हैं लास्ट पॉइंट आता है, थ्रू द प्रोसीजरल टेस्ट्स द नेचर एंड कॉसेस ऑफ इनएक्यूरेसी शुड बी फाउंड। कहता है वो जैसे प्रोसेसर के थ्रू वो टेस्ट लेके चलेगा, यानी ऐसे टेस्ट करता हुआ चलेगा ताकि उसे ये पता चल जाए कहाँ कहाँ पे इनएक्यूरेसीज है और बिजनेस का नेचर कैसा है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए वो कुछ कुछ टेस्ट करके देखता है कौन ऑडिटर, ताकि उसे यकीन हो जाए कि कैसा इंटरनल सिस्टम है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके का है। तो इसको चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजरल टेस्ट लेने होंगे, ताकि फिर वो इस बात पे फोकस कर पाए ऑडिटर कि कहाँ कहाँ पे उसे फोकस करना चाहिए, कौन कौन से एरियाज उसे वीक लगे हैं, कहाँ पे उसे इनएक्यूरेसीज मिली है जहाँ पे वो दोबारा चेक करे, यानी उन एक्टिविटीज पे फिर वो ज्यादा फोकस करेगा जहाँ पे उसे लगता है कि एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, लास्ट में कहता है कि ए गुड एंड इफेक्टिव सिस्टम कैन रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एन ऑडिटर बट नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं अगर अच्छा और इफेक्टिव का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो ऑडिटर का वर्कलोड कम कर सकता है, लेकिन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दूं, अगर आप इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हो तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितना एफिशिएंट होगा, बहुत अच्छी बात है ऑडिटर के लिए, उसका वर्कलोड उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी। अगर कल को ऑडिटर कहता है कि मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बिलीव करके आपने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी और मेरे को नहीं पता अब एरर्स एंड फॉल्ट्स होंगे, तो नहीं, ऐसा कह के ऑडिटर बिल्कुल भी नहीं बच सकता। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है बिल्कुल की बिल्कुल, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर रिलाय करे या फिर ना करे, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकता ऑडिटर। ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बिलीव करा तो उससे पहले उसे नेचर चेक कर लेना चाहिए कि बिजनेस का नेचर किस टाइप का है और सर्कमस्टांसेस क्या है जब वो उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की सर्कमस्टांसेस और नेचर को चेक करने के बाद ही ऑडिटर को सामने वाले के यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी चाहे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहे या फिर ना रहे, उसका वर्कलोड कम हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो आज हमने स्टडी किया इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर, और इसी के साथ हमारा इंटरनल कंट्रोल खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे इंटरनल चेक या फिर इंटरनल ऑडिट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।